हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शालिनीज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो आइसक्रीम की एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जिसे हम मैंगो के अंदर स्टफिंग भर के बनाएंगे और फिर इसे स्लाइसेस पे कट करके सर्व करेंगे। ये मेरी रेसिपी समर स्पेशल है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन होती है उस पर क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी और आप मेरे नए नए वीडियोस एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टफ्ड मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है, आप चाहें तो वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां मैंने एक पैन ली है जिसमें मैं 1 लीटर के करीब दूध ऐड कर रही हूं। दूध को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से उबलने देंगे, ताकि हमारे दूध जो है वो गाढ़ी होके 1/3 के करीब बच जाए। हमारी दूध गाढ़ी हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और फ्लेम को ऑफ कर दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ ये क्रश की गई पिस्ता और काजू, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी के करीब इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। ये देखिए, हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है और ये कुछ इस कंसिस्टेंसी की है। यहाँ मैंने 2 आम लिए है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसे चाकू की मदद से इस तरीके से ऊपर के पार्ट को कट करेंगे और इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे बाद में, तो इसे बिल्कुल भी फेंके ना, इसे एक साइड पर रख दें और छोटी चाकू की मदद से बीज के चारों तरफ चाकू को घुमाते हुए इस तरीके से हम डीप छेद करेंगे। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप भी आम के अंदर इस तरीके से कर लें। आप साइड्स इसने छोड़ दी है, अब मैं इसे ट्विस्ट कर रही हूँ ताकि ये बीज जो है वो आसानी से बाहर निकल के आ जाए। और बीज अब घूमने लगी है, तो अब मैं इसे धीरे से निकाल ले रही हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया ये होल बन के तैयार हो गई है आम में, और बीज में जो भी आम लगी है उसे मैं चाकू की मदद से इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। इसे हम आम के अंदर स्टफ करेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आम को स्टेबल करने के लिए मैंने यहाँ एक कप ली है जिसके अंदर हम आम को इस तरीके से डाल देंगे, और जो ये गुठली से आम निकली थी इसे हम वापस आम में डाल देंगे। तो मैं यहाँ आधे क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ। फिर मैं ऐड कर रही हूँ ये दूध वाली मिश्रण जो हमने पहले तैयार की थी, इसे भी स्पून की मदद से इस तरीके से डाल दें। ये मैंने डाल दिया और इसे इस तरीके से ढक दें। सेम हम दूसरे आम के साथ भी करेंगे। तो मैंने आम डाल दिया, स्टफिंग भी डाल दी और इस तरीके से इसके लिड लगा दें। और अब हम इसे फ्रीज़र में 6 घंटे के लिए डाल देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 6 घंटे के बाद हमारी आम अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। तो अब मैं इसे चाकू की मदद से इसके इस हिस्से को हटा दे रही हूँ और अब इसे पीलर की मदद से पील कर ले। आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से ये पील हो रही है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पील कर लिया है और अब हम इसकी स्लाइसेस कट करेंगे। तो एक शार्प नाइफ से इसकी स्लाइसेस कट करें, तो इस तरीके से जितनी हो सके उतनी स्लाइसेस आप कट कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट टाइप की ये रेसिपी है। ये देखिए स्टफिंग कितनी बढ़िया से बीच में सेट हो गई है और बहुत ही टेस्टी है, देखने में भी लग रही है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।